नमस्कार, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाऊंगी आयरन और कैल्शियम से भरपूर सब्जी, जो खाने में टेस्टी तो होता ही, साथ ही ये बनती भी बहुत जल्दी है। तो बस इसे शुरू करते हैं बनाना। तो हमने लिया है यहाँ पे कच्चा केला, इसे अच्छी तरह से धुल के साफ कर लिया है। अब इसे क्या करते हैं, छील लेते हैं। तो इसे हमने छील लेना है अच्छी तरह से, ताकि इसका हरा वाला भाग ना रह जाए इसमें और ये बढ़िया से छिल जाए। तो इस तरह से हमें से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे छील के, और इसे एक बार छीलने के बाद भी हम इसे अच्छी तरह से धुल लेंगे। तो छीलने के बाद हम इसे अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, फिर से एक बार रगड़ के धुल लेंगे पानी से। तो इस तरह से हमने पानी से इसे धुल लिया है और इसे हम काट लेते हैं। तो हम इसे लंबे पीस में काटेंगे, आप चाहे तो आप इसे गोल शेप में भी काट सकते हो, तो थोड़ा मोटा ही काटेंगे। तो दो भाग करके एक केले में, और हम उसे पीस कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सारे केले को काट के तैयार कर लेते हैं। तो हमने सारे केले काट लिए हैं और अब इसे हम चलेंगे बनाने। तो लेकिन उससे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि हमें सब्जी में और क्या क्या चाहिए। तो हमने यहाँ पे दो हरी मिर्च लिया, अदरक का टुकड़ा लिया है, लहसुन है, और तीन प्याज हमने लिया है। साथ ही दो टमाटर भी हमें इसमें चाहिए डालने के लिए सब्जी में। तो सबसे पहले हम टमाटर को काट लेते हैं, क्योंकि टमाटर को हम प्यूरी तैयार करेंगे पीस के। तो इसे हम छोटे छोटे पीस कर लेते हैं, ताकि आसानी से मिक्सर में पीस जाएगा। तो टमाटर को तो काट लिया है, अब मिर्ची को भी हम छोटा साइज कर लेते हैं काट के, और अदरक को भी छोटा छोटा टुकड़ा कर लेते हैं। और हमने यहाँ पे लिया है लहसुन एक गांठ लिया है मीडियम साइज का, और साथ ही एक प्याज को हम हटा दे रहे हैं, तीन प्याज हमने लिए थे। तो इसे हम काट लेते हैं दो प्याज को, और दो प्याज को काटने के बाद हम इन सभी चीजों को हम पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से हमने काट लेना है, काट कर, ताकि आसानी से ये पीस जाता है। छोटा छोटा पीस हमने इसलिए कर लिया है। और अब ले लेते हैं ग्राइंडर जार, और उसमें हम सारे डाल के इसको हम पेस्ट के रूप में तैयार कर लेते हैं। और इसे हम पीस के तैयार कर लेंगे। तो हमने पीस लिया है इन चीजों को, और इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हमें टमाटर का भी प्यूरी तैयार कर लेना है पीस के। तो टमाटर को भी अब पीस लेते हैं। इसे हम बारीक पीस लेंगे। तो इस तरह से हम टमाटर को भी पीस के एक कटोरी में निकाल लेते हैं, और दोनों चीजों को अलग ही रखेंगे, और जो भी मिक्सर जार में लगा हो उसे हम ले लेंगे अच्छी तरह से पानी से धुल के। और प्याज को भी जो हमने एक निकाला था ना, उसे भी हमने काट लिया है। तो अब गैस की तरफ आ गए हैं, और कढ़ाई में डाल लेते हैं अपने पसंद का तेल और इसे गर्म होने देते हैं। तो तेल हमने ज्यादा लिया है, क्योंकि हमें केले के जो पीस हमने तैयार किए हैं उसे हमें डीप फ्राई करना है, हल्का लाल कर लेना है। तो जैसे ही ये लाल हो जाएगा हम इसे निकाल लेंगे। तो सारे पीसों को इसी तरह से लाल करके ले लेना है। कढ़ाई में तेल ज्यादा था तो हमने इसे निकाल दिया है। और अब ले लेते हैं तड़का देने के लिए सब्जी। जीरा एक इलायची है, एक बड़ी इलायची है, दालचीनी है, तीन से चार, चार से पांच लगभग ये लौंग है, और एक तेजपत्ता हमने लिया है। तो इसे हम तेल में डाल देते हैं और चटकने देते हैं। साथ ही हमने हींग लिया है, तो हींग भी हम इसमें डाल देते हैं। और इन सभी चीजों को चटकने देते हैं। उसके बाद हम इसमें एक प्याज जो हमने काट के लिया था उसे भी हम डाल देते हैं, और इसे हमें लाल कर लेना है प्याज को। चलाते हुए हमें इसे लाल कर लेना है, अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि प्याज लाल ना हो जाए। और जैसे ही ये प्याज लाल हो जाता है हम इसमें डाल देते हैं पेस्ट जो हमने तैयार किया था। तो प्याज हमारी अच्छी तरह से लाल हो चुकी है, डाल देते हैं इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च प्याज का पेस्ट। और ये डालते हुए हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है, और इस तरह से हमें इसे चलाते हुए इसे भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन बढ़िया से निकल जाए, अच्छी तरह से ये सौंधा सब भून जाए। जो भी प्याज लहसुन हरी मिर्च अदरक का हमने पेस्ट इसमें डाला है उसे भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है। थोड़ा सा थाक कटोरी में हमने उसे डाल दिया है, और इसे चलाते हुए हम भून लेंगे। तो जैसे ही ये भून जाएगा, इसे हमने ढक दिया था और खोल के अब चेक कर लेते हैं, तो ये अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने टमाटर प्यूरी तैयार किया था पीस के, उसे भी हम इसमें डाल देते हैं।
और इसे भी हम चलाकर मिला लेते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक देंगे ताकि अच्छी तरह से टमाटर पक जाए और वो भी सोंधा हो जाए, माने कच्चापन उसका खत्म हो जाए। तो इसलिए हमें इसे ढक देना है चलाकर। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं और इसे हम चला लेते हैं। तो इस तरह से हमें इन सभी चीजों को बढ़िया से भूनने के बाद ही हमें इसमें और मसाले डालने हैं। तो ये अच्छी तरह से भून चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर। तो इसमें डाल देते हैं लगभग 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं और डाल लेते हैं इसमें काला नमक है, थोड़ा सा हमने काला नमक डाला है, इसे टेस्ट अच्छा आएगा। साथ ही हमने डाल दिया इसमें 2 चम्मच लगभग धनिया पाउडर, छोटे चम्मच से 2 चम्मच, और हमने डाला है भुना हुआ जीरा 1 चम्मच। और इन सभी चीजों को डालने के बाद अच्छी तरह से हमें इसे मिला के चला लेना है, भून लेना है। और इसमें हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, तीखा नहीं होता है, कलर इसका अच्छा आ जाता है सब्जी का देखने में, इसलिए मैं इसमें डाली हूँ। चाहे आप चाहे तो यहाँ स्किप इसे कर सकते हो। साथ ही हमने डाला है थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी है ये, तो इसे भी हम डाल देते हैं, इससे टेस्ट सब्जी का और भी बढ़कर आएगा। तो इस तरह से हमें इसे डाल के भून लेना है और इसे हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही। 2 मिनट के बाद हम इसे फिर से चेक कर लेंगे, इसे खोल के हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तेल ऊपर आ चुका है और अच्छी तरह से मसाले भी भून चुके हैं। और अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं, जितना हमें ग्रेवी बनानी है सब्जी में तो उसी हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। वैसे केले की सब्जी पानी को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसमें पानी आप ज्यादा ही डालिए, मतलब ग्रेवी ज्यादा बनाइए, क्योंकि ये बाद में केला जो है ना पानी को सोख लेता है, तो इसलिए इसमें ज्यादा ग्रेवी बनानी चाहिए केले की सब्जी में। और इस तरह से हमने इसमें पानी डाल लिया है, हमें अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें पानी डाल लिया है। और अब इसे हम ढक देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह से ग्रेवी में उबाल आने लगे, पक जाए ये। तो अच्छी तरह से उबाल आ चुका है तो हम डाल देते हैं इसमें जो हमने केले को फ्राई करके लिया था। तो इस तरह से हम डाल के अच्छी तरह से इसमें मिला लेते हैं, चला लेते हैं ताकि डूब जाए केले अच्छी तरह से ग्रेवी में। और इसे हम लो फ्लेम पे ढक देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो इस तरह से हमने ढक दिया था और इसे हम दोबारा ढके हैं, तो देख लेते हैं इसे। तो सब्जी हमारी बन के तैयार है, हमें जितनी ग्रेवी चाहिए जितनी गाढ़ी उसी हिसाब से हमने इसे पका लिया है। और इसे हम चेक कर लेते हैं एक बार अपने पलटे से या स्पैचुला से दबा के देख लेते हैं कि केले जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। तो जैसे ही केले सॉफ्ट हो जाएंगे हमने इसमें डाल लिया है 1 चम्मच गरम मसाला और इसे हम बराबर इसमें चलाते हुए मिला लेंगे अच्छी तरह से ताकि ग्रेवी में मिल जाए मसाले और इसके फ्लेवर आ जाए। तो 2 मिनट के लिए हम फिर से इसे ढक देंगे और इस तरह से हम पका लेते हैं सब्जी को गरम मसाला डालने के बाद। और देख लेते हैं सब्जी हमारी पूरी तरह से बन के तैयार हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है, देखने से ही आपको लग रहा होगा। तो जितनी गाढ़ी हमें ग्रेवी चाहिए उतनी ये हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसे ढक देते हैं, गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम सर्व कर लेंगे एक सर्विंग बाउल में। एक सर्विंग बाउल ले लेते हैं, उसमें हम सब्जी को सर्व कर लेंगे। तो इस तरह से हमने केले की सब्जी बना ली है, बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बन के तैयार हुआ है। इसे हम निकाल लेते हैं, देखने से ही बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा आपको। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। सारी सब्जी को हमने बाउल में ले लिया है और ये हमारी केले की चटपटेदार सब्जी बनके तैयार है मसाले वाली। और इसे आप किसी भी चीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं, दाल चावल पूड़ी पराठे रोटी जिसके साथ आप खाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।